फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, मोस्टली हमारे ब्लॉग रहते हैं वृंदावन के रहते हैं। आपको हमारे वृंदावन के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार देते हैं आप लोग। मेन जो आप लोग के कमेंट आते हैं, हमें वृंदावन वास चाहिए स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से अखंड वास चाहिए, हम वृंदावन ही वास करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी आप हमें वास करा दो, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है। तो यही इसी के लिए आज जो ये ब्लॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसी को लेकर ब्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहले बात मैं बताऊंगी आपको, इस समय हम कहाँ खड़े हैं। अगर आप आते हैं हमारा ब्लॉग देख के, वीडियो देख के, तो आपको कैसे आना है, आप पीछे देख रहे होंगे मदन मोहन जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, और ये परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए, अभी भी देखो भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं इस समय, आप देख लीजिए बहुत ज्यादा लोग परिक्रमा कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे आपको आना है, जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ, और खड़ी हूँ वो है कृष्ण कुटी गौशाला। कृष्ण कुटी गौशाला संचालित संत श्री कृष्ण स्वामी ट्रस्ट, आप देख लीजिए पूरा अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, जय 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 श्री हरिवंश, स्थाई अस्थाई वृंदावन वास हेतु संपर्क करें। तो अगर आप यहाँ वास करना चाहते हैं तो नंबर आपको लिखा हुआ है, बाकी नंबर आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पहले हम अंदर लेके चल के पूरा दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, वृंदावन आश्रम में एक साथ 1000 यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान, कथा उत्सव विवाह हेतु विशाल मंदिर, पंडाल कमरे, भोजन हॉल, रसोई की व्यवस्था, गौशाला भी है, रसोई की व्यवस्था अच्छी गौशाला इच्छी। और आपको बता दूं, अगर आप लोग कभी कभी पूछते हैं ना, हमें एक हफ्ता चाहिए, एक महीने के लिए हम कहीं पे भी रह लेंगे, हमें वास चाहिए वृंदावन, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज मिल जाती है। आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप अखंड वास चाहते हैं, परमानेंट वास चाहते हैं, एक साल के लिए चाहते हैं, 6 महीने के लिए, महीने भर के लिए, हफ्ता दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आपको यहाँ वास मिल जाएगा। रसोई भी मिलती है जिसमें आप अपना खाना वगैरह बना सकते हैं, सारी चीज है। यहाँ पे कैंटीन भी है अंदर, ये देखिए यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। अब अंदर आपको लेके चलते, ये देखिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। अगर आप अपना खाना नहीं बनाते हैं, खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, आप यहाँ पे भी खा सकते हैं, पूरा सात्विक भोजन मिल जाता है आपको यहाँ पे। आपको पता है वृंदावन वास जो लोग आना चाहते हैं, प्याज लहसुन बहुत कम खाते हैं, तो भोजन आपको मोस्टली यहाँ सात्विक मिलता है। अभी आपको ये पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी दिया हुआ है, अगर आप आते हैं अपनी गाड़ी वगैरह से। ये देखिए पार्किंग एरिया आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, कितना ऑलरेडी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। साथ के साथ आपको सामने दिख रही होगी गौशाला, अभी आपको लेके चलते हैं हम गौशाला में। ये गौशाला है, गौ माता की बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो गाय वगैरह नहीं पाल सकते, लेकिन उनका भाव बहुत होता है, तो आप यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। इनका अपना ट्रस्ट है, डोनेशन वगैरह अगर आप देना चाहें गौ सेवा में वो भी दे सकते हैं। तो ये है पूरी गौशाला, आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए ये है गौशाला, कितनी सारी गाय, हम यहाँ आए सूट के लिए, तो इन्हें लगा हम कुछ खाने के लिए आए, तो सारी यहाँ पे आ गई है। ये गौ की सेवा होती है यहाँ पे, आप भी इनकी सेवा कर सकते हैं। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं ना, गाय घर में पालते हैं, दूध जब देना बंद कर दे छोड़ देते हैं, मतलब उनका महत्व तो तब तक ये है जब तक वो आपको दूध दे रही है, ये बहुत गलत होता है। ऐसी गायों की यहाँ सेवा होती है वृंदावन में, ये बहुत अच्छा कार्य है, अगर आप सेवा करना चाहें जिसका भाव है कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूम वगैरह मैं कह रही हूँ ना, रहने की व्यवस्था भी है, देखिए पूरा बना हुआ है रूम वगैरह, सारी चीजें बनी हुई है, जाली वगैरह सब चीज लगाई हुई है, क्योंकि वृंदावन में बंदरों का इतना आतंक है, सबसे आतंक बंदरों का है, जाली वगैरह सब चीज की व्यवस्था की गई है। आप आके पर नाइट के हिसाब से भी यहाँ रूम ले सकते हैं, अगर आप अखंड वास चाहते हैं वृंदावन महीना भर, साल भर, हफ्ते भर के लिए रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइन से आप देखें, यहाँ लाइन से रूम बने हुए हैं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्पेस में बना है, बहुत ज्यादा यहाँ रूम्स हैं, बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और रूम भी यहाँ बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं 10-5-20 रूम है, बहुत ज्यादा रूम है, करीब करीब 100-150 रूम होंगे यहाँ पे। चुप चुप, ये सारे लाइन से रूम बने हुए हैं, और जाली वगैरह लगा के व्यवस्था हर चीज की हुई है कि बंदर वगैरह अंदर ना आ जाए। जो बाहर का भी एरिया, अगर आप घूमना चाहें गौ माता के पास, अगर आप रहते हैं, तो बंदर वगैरह का आतंक यहाँ नहीं रहेगा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, सारी चीज यहाँ पे कैमरे वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, सेफ्टी भी मिल रही है आपको साथ साथ। यहाँ पे आप देख लीजिए वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं लाइन से, बिल्कुल साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन,
अगर आप रूम में यूज करते हैं वहाँ तो वॉशरूम होते हैं, साथ के साथ बाहर भी वॉशरूम बने हुए हैं क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं बाहर की तरफ और रूम्स वगैरह दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कैसे रूम्स मिलेंगे अगर आप आते हैं, किस टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे अभी आपको ऊपर लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं हर कैटेगरी का आपको रूम मिलता है, एसी नॉन एसी। अगर आप चाहें तो एक कूलर वाला रूम भी ले सकते हैं। बहुत से लोग आज के टाइम पे आते हैं जो एसी रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वृंदावन में रूम के प्राइस भी बढ़ गए हैं, भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर गर्मियों में कूलर वाला रूम भी मिल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो विदाउट एसी तो बहुत प्रॉब्लम होती है सिर्फ पंखे में। कूलर वाला रूम मिल जाए तो ठीक है, तो आप मतलब रह सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे रूम है, आप देख रहे हैं सामने कूलर भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपको हॉल भी मिल जाता है, आप 100 रुपये में आराम से यहाँ पे हॉल में रुक सकते हैं। बिल्कुल देखिए ये हॉल है, कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पूरा हॉल है, पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आराम से अपना गद्दा ले कर 100 रुपये में रुक सकते हैं। बाकी बिहारी के पास पड़ते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बाकी बिहारी, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। बाकी बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, निधि वन, सब जगह मदन मोहन मंदिर तो बिल्कुल यहाँ से दिखाई देता है। तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे रुकने के लिए 100 रुपये में। ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो भी आप पूरा हॉल बुक कर सकते हैं 100 रुपये पर गद्दे के हिसाब से, तो अच्छा ऑप्शन है। आप एसी वाला रूम लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। कूलर वाला ले लेंगे तो कूलर वाले अगर आप हॉल लेते हैं तो उसका रेंट शायद 200 रुपये हो जाएगा पर गद्दे के हिसाब से। बाकी रूम वगैरह आप लेते हैं तो रूम की स्टार्टिंग है 600 रुपये से हो जाती है, 600 रुपये में आपको मिलता है नॉन एसी रूम। और अगर आप कूलर वाला लोगे तो आपको 800 में पड़ जाएगा, और अगर एसी लोगे तो 1000 रुपये में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप आके सिर्फ एक रात रुकना चाहते हैं तो आप एसी वाला ना लेके कूलर वाला रूम ले सकते हैं, और विदाउट कूलर भी ले सकते हैं। अब तो इतनी गर्मी भी नहीं रही तो 100 रुपये में रुकने की अच्छी व्यवस्था है। वॉशरूम वगैरह आपने देख लिए, मैंने अभी आपको दिखाई कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे हैं, तो 100 रुपये में अच्छी व्यवस्था है आपके रुकने के लिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम पे आगे सर्दियां आ रही हैं, इतनी गर्मी अभी इस टाइम है नहीं, तो आप आराम से 100 रुपये वाले रूम में गद्दा लेके रुक सकते हैं। अगर एक रात के लिए आप रुक रहे हैं, बाकी बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन करके और कई आसपास के मंदिरों के दर्शन करके चले जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर आकर आप रुक सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग आपके लिए, क्योंकि हमने सोचा इसका ब्लॉग ने पहले ही बनाया था जिसमें बताया था जो रुकने की व्यवस्था है कि आप आजीवन वास कर सकते हैं, और यहाँ पे वैसे भी आप रुक सकते हैं आप आके पर नाइट के हिसाब से। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो इसलिए मैंने आज ये पूरा ब्लॉग बनाया प्रॉपर वे में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे।